हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखे थे। ओके, अब हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.5 और दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर। ओके, जो मैथमेटिकल लॉजिक है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है ये। ओके, और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सर्किट कि इस सर्किट को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ओके, और उस सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लाना है और सिंबॉलिक फॉर्म से सर्किट कैसे बनाना है। ओके, और सर्किट कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, ऑल चीजें जो भी है वो आज हम लोग सीखने वाले। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, स्विचेस। स्विचेस आपके क्या होते हैं, एक तो स्विचेस ऑन हो सकती है, आपको ऑफ होती है। आप लोग देखे होंगे घर में आपके सबके पास स्विचेस होंगे जिसको हम लोग बटन को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से फैन हो लाइट्स वगैरह क्या होते हैं चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्विचेस है, यहाँ पे दो टाइप के स्विचेस है, पहला है क्लोज दूसरा ओपन। क्लोज स्विचेस क्या होते हैं, पैक होती है। देखो ये जो आपकी स्विचेस है, देखो ये यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया आपकी स्विचेस है। ये क्या है, क्लोज स्विचेस। ओके, ये क्या है, क्लोज स्विचेस है। ओके, उसके बाद आता है ओपन स्विचेस। ओपन स्विचेस में क्या होता है कि जो आपका स्विच है ना, जो ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये देखो ये ओपन, ये खुला रहेगा। ओके, ये खुला रहेगा तो ओपन है और ये दोनों पैक रहेंगे तो क्लोज है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, खुला है तो ओपन है और ऐसा दोनों पैक है तो क्या है, क्लोज है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं क्लोज स्विचेस, इसको बोलते हैं ओपन स्विचेस। ओके, और ये स्विचेस कहाँ आते हैं, देखो ऐसे एक सर्किट होता है। ओके, सर्किट में क्या होता है, आपका लैंप है और ये आपका बैटरी है। ओके, ये आपका स्विच है और ये स्विच कौन सा है, देखो ओपन है ना, ओपन है। इसको हमको क्लोज करना तो क्लोज करेंगे, ओपन रहेगा तो, अगर ये ऐसा पैक रहता है यहाँ पे एक और रहता तो क्या था, क्लोज रहता था। ओके, लेकिन ये क्या, अभी ये ओपन स्विचेस है। ओके, और स्विचेस को मैं सपोज करता हूँ ऐसा बना, कुछ भी आप नाम ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये हो गया स्विचेस हो गया। ओके, अब इसमें क्लोज स्विचेस क्या होते हैं, दोनों क्लोज रहेंगे, ओपन स्विचेस क्या रहेंगे, ये ओपन रहेंगे। देखो इस तरीके से रहेंगे, ये यहाँ पे भी इस तरह से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ओपन देखो यहाँ पे खाली, इसके इसको ओपन बोलते हैं। अब आता है स्विचेस इन सीरीज। ओके, स्विचेस इन सीरीज, देखो ये जो आपका हो गया, ये एक हो गया, दो, ये देखो तीन, ये आपका ऐसा रहेगा। देखो तो ये जो स्विचेस है, देखो एक है दो है तीन है, मैं इसको नाम देता हूँ, इसको S1 S2 S3, दीज आर थ्री स्विचेस है। ओके, अब देखो हमको क्या बोला, स्विचेस आर सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। ओके, जैसे स्कूल में देखो बच्चे लोग क्या होते हैं, प्रेयर करने के लिए खड़े होते हैं, वन लाइन बाय वन बाय वन बाय वन, वन के पीछे वन वन, वैसा। ओके, देखो ये भी देखो इसके पीछे ये क्या है, सीरीज है। ओके, जब भी सीरीज में रहता है तो हमको लॉजिक के फॉर्म में लेना है ना, जिसको हम लोग एंड से डिनोट करते हैं, एंड। और इसका सिग्नेचर क्या है, ये उल्टा भी। ओके, ये आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसा स्विचेस रहेंगे इसको एंड से डिनोट करते हैं और इसका साइन क्या है, उल्टा। तो देखो इन तीनों के बीच में साइन क्या हो जाएगा, इसको हम सपोज कर लेते हैं S1 को P सपोज कर लेते हैं, S2 को Q सपोज कर लेते हैं और S3 को R सपोज कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो P हो जाएगा, इनके बीच में सीरीज है तो एंड हो जाएगा, ये इसके साथ भी सीरीज है तो ये भी एंड हो जाएगा और ये R हो जाएगा। देखो P एंड Q एंड R, अगर आपको नहीं सपोज करना तो ऐसा आप लिख सकते हो S1 एंड S2 एंड S3। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आपका जो फॉर्म है इस फॉर्म में आपको लिखना है, वो अभी मैं आगे अच्छे से बताऊंगा। पहले जो चीजें हैं अच्छे से बेसिक पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, चलो इसको रहने देता हूं मैं। अब आता है स्विचेस क्या हो गया सीरीज में, आपको समझ गया, एक के पीछे एक होता है और जब भी सीरीज में रहता है स्विचेस उसको क्या बोलते हैं, एंड का साइन से डिनोट करते हैं। अब स्विचेस किसमें, पैरेलल में, देखो ये हो गया, ये देखो दोनों क्या पैरेलल, इसको नाम देता हूं मैं S1 S2। ओके, तो अपना क्या होता है S1 P होता है, S2 क्या होता है Q होता है। और जब देखो इसमें जब सीरीज में था तो आपका क्या था, एंड था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसमें है, यहां से पैरेलल है, पैरेलल में क्या रहेगा, और रहेगा जस्ट उसका अपोजिट, और में क्या होता है साइन, उल्टा, सॉरी वी होता है, एंड में उल्टा वी होता है और में वी होता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है तो यहाँ पे क्या जाएगा, पी और क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया और इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया,
ओके okay, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। देखो स्विचेस सर्किट में क्या होता है, पहले तो स्विचेस होते हैं उसमें होता है क्लोज स्विच जो दोनों क्या है पैक रहते हैं दोनों साइड से। ओपन स्विच में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं से ओपन रहेगा। फिर स्विचेस इन सीरीज में क्या होता है, एक के पीछे एक रहता है। और जब भी आपको स्विचेस सीरीज में दिखते हैं उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एंड से, उसका साइन क्या है उल्टा भी। ओके okay? और अगर जो स्विचेस किस में हो, स्विचेस इन पैरेलल हो, जब पैरेलल में होते हैं तो स्विचेस ऐसा डिनोट होता है। ओके स्विचेस ऐसा बनाए जाते हैं। और एस वन एस टू को हम लोग सपोज कर लिए, और ये क्या है इनके बीच में कौन सा सारा आएगा और का। ओके तो ये और हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लैंप बना के देखते हैं, एक स्विच सर्किट डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करता हूँ, स्विच सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये यहाँ पे ले लिया, देखो पहला क्या होता है सेल हो गया प्लस है और ये माइनस है। ओके और यहाँ पे बल्ब लगा दिया यानी कि लैंप। ओके ये हो गया। अब मैं यहाँ पे स्विचेस बनाता, देखो ये एक स्विचेस बनाया यहां से एक ले लिया और एक यहां से ले लिया। अब यहां से सेम ये हो गया पैक। अब यहां पे नाम देता हूं मैं S1, यहां पे नाम देता हूं मैं S2। यहां पे नाम देता हूं मैं S1, S2। ये दो नाम ले लिया। अब देखो स्विचेस है हाँ, तो यहां पे करंट फ्लो है तब तो लैंप जलेगा ना। ये करंट देखो क्या हो रहा है, फ्लो रहा है। और करंट आपको पता है कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो यहां भी फ्लो होगा, ऐसे ऐसा जाएगा। ओके अब ये देखो आपको ऐसा सर्किट दिया है, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ओके तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पी दी स्विच एस वन इज क्लोज। ओके या तो द स्विच क्लोज एस वन ऐसा लिख सकते, द स्विच क्लोज एस वन तो भी चलेगा। फिर सेम क्यू क्या जाएगा, द स्विच क्लोज S2, ओके ये हो गया। दोनों को मैंने सपोज कर लिया कि S1 क्या है P है और S2 क्या है Q है। फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो दोनों किस में है पैरेलल में है तो पहले तो P और Q लिख दिया। अब दोनों पैरेलल है, पैरेलल में क्या आता है और आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बीच में और का साइन। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यही बोला है सिंबॉलिक फॉर्म बनाने। और इसके बाद बोला है आपको इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाने वाले हैं। जो एग्जांपल हम लोग लिए थे तो उसको एज इट इज रखा है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे लेता हूँ, पी और क्यू है। ओके ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ किसका, पी और क्यू का। ओके तो P और Q का देखो P एंड Q, फिर क्या है P और Q होगा। देखो हम लोग जब ट्रूथ टेबल बनाते थे तो क्या लिखते थे, T एंड F के फॉर्म में। T का मतलब होता है 1, F का मतलब होता है 0। ओके T का मतलब होता है 1, F का मतलब क्या होता है 0 होता है। T मीन्स 1 और F मीन्स 0। तो जहां पे आपके जिसको ऐसे टी टी लिखते थे फिर एफ एफ लिखते थे, टी एफ टी एफ, तो यहाँ पे चेंज करना, क्या करना जहां पे टीटी वहां पे क्या रखना 1 1, तो 1 1, फिर 0 0, फिर 1 0 1 0। ओके इस तरीके से करना है। और यहाँ पे भी सेम होगा, देखो जब ऊपर रहता था बी रहता था तो क्या होता था, एक भी टू तो टू, एक भी टू तो टू। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है आपका सेम, यहाँ पे एक भी 1 तो 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0। ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट टेबल। सेम स्विचिंग जो अपना सर्किट था ना, अपना ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल सेम उसी के जैसे। अगर जो ये 1 रहेंगे तो लाइट क्या करेंगे, लैंप क्या होगा ग्लो होगा, लैंप क्या होगा लैंप विल ग्लो। कब व्हेन क्या रहेंगे 1 रहेगा, और अगर जो 0 रहा तो क्या होगा वहां पे लाइट क्या होगा ऑफ रहेगा। ओके ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जब इसका जो लास्ट वाला जो चीज आएंगे जहां पे 1 रहेगा तो क्या होगा ग्लो करेगा, 1 रहेगा तो बंद रहेगा ऑफ रहेगा। ओके ये आपका हो गया एक एग्जांपल हो गया है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बताने लायक है, ये पूरा पूरा हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। ओके बेसिक में क्या था, पहले तो स्विचेस थे, उसमें था क्लोज स्विचेस और ओपन स्विचेस। क्लोज स्विचेस में क्या था, एक लाइन से रहता है जो कि बंद रहता है, ओपन में क्या था स्विचेस ओपन रहते हैं। ओके फिर उसमें था स्विचेस इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है ऐसे एक के नीचे एक स्विचेस होते हैं। ओके और उनको हम लोग ओआर से डिनोट करते हैं वी से। फिर स्विचेस इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है ये देखो एक स्विचेस है, इसके एक पीछे है, एक इसके पीछे है, ये तीन स्विचेस है ना, देखो ना
ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। देखो हम लाइन से सीरीज में है, इसमें क्या आता है V उल्टा होता है एंड आता है, और ये जो मैं पैरेलल इसको रखूं देखो ऐसा है, तीनों क्या है पैरेलल है ना, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो किसमें आएगा और में आएगा, और अगर यही सीरीज में तो किसमें आएगा एंड में आएगा। तो ये हो गया पूरा आए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, पहले तो हमको इन दो सर्किट दिए हैं उनको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसको क्या करना है फिर उसको हमको इनपुट आउटपुट टेबल में बना के दिखाना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, ओके फिर लेट, ओके फिर क्या करना है बताना पड़ेगा, एस वन दी, अच्छा पहले पी 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 दी स्विच स्विच एस वन इज क्लोज, फिर क्यू दी स्विच एस टू इज क्लोज, ओके फिर तीसरा आर भी है ना साइड से क्वेश्चन में, हाँ आर भी है, यहां पे क्या हो जाएगा आर एस थ्री डी स्विच एस थ्री इज क्लोज। ओके सबसे पहले काम सपोज कर लेना है एस वन को पी, एस टू को क्यू, एस थ्री को आर, ओके सबसे पहला काम। और एल क्या है, एल बी द लैंप, ओके ये हो गया। फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट, ओके अब ये सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे देखो आपको मैंने बताया था, यहां पे मैं लिख देता हूं हाँ अगर जो सीरीज में, हाँ सीरीज में तो क्या होता है एंड होता है, और अगर जो पैरेलल में हो, ओके पैरेलल में तो क्या होता है और होता है जब भी जो स्विचेस से सीरीज में रहेंगे तो एंड का साइन रहेगा, और वही स्विचेस अगर पैरेलल में हो तो और का साइन रहेगा। ओके ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो यहां से गया, यहां पे करंट फ्लो है, फिर देखो पहले क्या ये एस वन है, तो एस वन को हमने क्या सपोज किया पी, हाँ देखो पी के जस्ट नीचे, हाँ पी के जस्ट नीचे है यानी कि पैरेलल में है, देखो एक के नीचे गिरा था पैरेलल में, तो पी के नीचे पैरेलल में तो और का साइन, फिर देखो दोनों साथ में है तो इसको क्या करो ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके अब देखो एस टू और एस थ्री दोनों क्या सीरीज में ना एक के साथ एक, एक के पीछे के, तो क्या हो जाएगा क्यू और आर, अच्छा सीरीज है ना तो एंड आएगा, सीरीज में क्या आएगा एंड आएगा, ये हो गया खत्म। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आप यहां पे आओ, सबसे पहला काम आप यहां पे आएंगे, सबसे पहला काम आपको यहां पे आना है, इधर उधर नहीं यहां पे देखना है, यहां से जो सबसे पहला है देखो ये है ना, तो इसको मैंने ले लिया, इसको क्या सपोज किया था पी, तो पी ले लिया, फिर देखो ये एक ये जो एस वन है ये एस टू के देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में तो क्या था और का साइन था और ले लिया, फिर देखो ये तो इसके पैरेलल में, चलो इसके लिए मैंने और ले लिया, लेकिन ये दोनों किस में, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का मतलब कहता है एंड, तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या ले लिया एंड ले लिया है। ओके ये आ गया आपका क्या होता है ये आपका क्या गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहां पे क्या लिखना है आपको, यहां पे लिखना है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ओके इनपुट आउटपुट टेबल, देखो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, फिर क्या करना देखो टेबल आपको सेम उसके समान जैसे ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते थे, प्रूफ के थे, इक्विवेलेंट के थे, ओके सेम उसी तरीके से करना है, जहां पे सिर्फ टी था वहां पे क्या जाएगा वन आ जाएगा। तो ये हो गया, अब यहां पे क्या है पहले क्यू एंड आर है, क्यू एंड आर, फिर उसके बाद क्या है उसके साथ पी के साथ और है, तो पी और क्यू एंड आर, ओके ये है आपका ट्रूथ टेबल बनाना है इस काम को। ओके आ जाते हैं,
देखो, 1 1 1 1, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4। ओके, इस तरीके से बनाना है आपको। 4 टाइम 1 4 टाइम 0। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, पी और क्यू एंड आर, ताकि अच्छे से विजिबल होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो 4 बार 1 लिखा, 4 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, ये हो गया। ओके, ये हो गया। आप क्या बोला, Q and R, मतलब नीचे रहता है, नीचे रहता है, एक ही फॉल्स तो फॉल्स, यानी कि एक भी जीरो तो जीरो। इन दोनों देखो, 1 0, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0, फोर्थ पे 0, 5 पे 1, 6 पे 0, 7 पे 0, 8 पे 0। ओके, किसी भी एक साइड में 0 तो आपका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, जो ये है ना, ये और है 1 के साथ, तो और में क्या होता है, एक ही 1 तो 1, तो यहाँ पे 4 तो 1 दिख रहा है, डायरेक्ट 4 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 है, 4 होगा, 5 वाला भी 1 है, फिर की नीचे क्या है, 0 0 0। ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट टेबल। तो इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। वापस मैं बताता हूं, सबसे पहले जो आपका सर्किट है, ओके, ये दिया रहेगा सर्किट। इस सर्किट से हमको सिंबॉलिक फॉर्म लेना है। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म लेने से पहले हमको क्या करना पड़ा, जो S1 है, S2 है, S3, जो स्विचेस दिए हुए हैं, स्विचेस से इसके लिए इसको S से डिनोट किए। ओके, जो स्विचेस दिए हुए हैं, ओके, तो पहले सपोज कर लेते, जो S1 है, पी दी स्विच S1 इज क्लोज, क्यू दी स्विच S2 इज क्लोज, एंड आर दी स्विच S3 इज क्लोज। ओके, फिर उसके बाद क्या, एल बी द लैंप है जो ग्लो करेगा और या तो ऑफ रहेगा, वो डिपेंड करता है, वो हमको पूछे नहीं, इसके लिए हम चीज बताने रहे। फिर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट, तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था, यहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या दिख रहा है, S1। ओके, S1 को ले लिया P, फिर देखो यहाँ पे सामने नहीं, इसके नीचे है, नीचे यानी कि पैरेलल में है इसके, तो पैरेलल में है तो और का साइन। ओके, अब देखो इन, ये तो इसके पैरेलल में, लेकिन ये दोनों किसमें है, सीरीज में, किसमें है, सीरीज में, तो क्या रहे हैं इनके बीच में, एंड का साइन। देखो एंड का साइन ले लिया, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, स्विचिंग सर्किट हो गया। ओके, हमने स्विचिंग सर्किट से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ले लिया। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म का क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। ये देखो आपका टेबल आपके सामने है। ओके, ये टेबल आपके सामने है कि कैसे बनाया जाए, जहां पे आपको टी लिखना था वहां पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, जहां पे एफ लिखना है वहां पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना आपको, आराम से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को सॉल्व करना है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो मैंने डायग्राम बना के रखा था, लेकिन जगह शॉर्टेज, जगह की कमी होने की वजह से मैंने उसको सॉल्व नहीं कर पाया, अभी सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, तो यहाँ पे पहले मैं इधर बना था, फिर से मैं टेबल इधर बनाता हूँ। ओके, तो चलो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या करना आपको पता है, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले पी लिखना है, पी क्या करेगा, S1 को क्लोज करेगा, दी स्विच S1 इज क्लोज, फिर आ जाएगा क्यू, दी स्विच S2 इज क्लोज। ओके, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे S1 का डैश है, शायद मैंने S1 ही सिर्फ लिखा, हाँ S1 का डैश है, हाँ ये S1 का डैश है, S2 का डैश है, तो फिर आ जाओ डैश के लिए आ जाओ, तो P क्यों है ना, तो P है, तो नेगेशन ऑफ P ले लो, क्योंकि डैश का मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन ऑफ P, दी स्विच S1 का डैश इज क्लोज, फिर आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q, दी स्विच S2 का डैश इज क्लोज। ओके, आप ये तो ऐसा भी लिख सकते हो, S1 का डैश इज ओपन, तो भी चलेगा, तो ध्यान से देखना है आपका, अगर जो क्या है S1 है तो हम उसको क्या सपोज करते हैं, P सपोज करते हैं, S1 का डैश है तो हम उसको नेगेशन ऑफ P सपोज करते हैं, और S2 है तो आपको पता है Q, और S2 का डैश है तो क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q, और S3 है तो R, और S3 का डैश है तो नेगेशन ऑफ R। ये इस तरीके से चीजों को हमको क्या करना है, सपोज करना है, S1 है तो P, और उसका डैश रहेगा तो नेगेशन, डैश का मतलब क्या होता है, नेगेशन होता है। ओके, तो यहां तो हो गया, अब क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, तो यहां पे लिखो सिंबॉलिक फॉर्म
ऑफ द सर्किट तो सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे मैं लिखता हूं, देखो क्या हो जाएगा, S1 का डैश है, यहां से स्टार्ट करते तो पहले ये है S1 का डैश, यानी कि नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P है ना, S1 का डैश है, देख लो S1 डैश क्या, नेगेशन ऑफ P है, ये लिख दिया। देखो इसके सामने यानी कि सीरीज में, देखो सीरीज में क्या एंड आता है, इसके सामने सीरीज में तो एंड आएगा, एंड क्या है S2 यानी कि Q, ओके। अब देखो ये दोनों ना इसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे मतलब क्या था, पैरेलल है, एक यहाँ पे, तो दोनों क्या है पैरेलल है ना, ये भले दोनों सीरीज में, तो इनको एंड लिख दिया, लेकिन ये इनके साथ क्या पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा और, ओके पैरेलल है तो और, सीरीज है तो एंड, तो ये और हो गया। अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों को लिखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस वन यानी कि पी है, फिर भी सीरीज में है तो क्या जाएगा एंड हो जाएगा, फिर एस टू का डैश, एस टू का डैश मतलब क्या होता है क्यू होता है, तो अभी नेगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, ओके। ध्यान से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहां से चेक करना है एस वन डैश हमने सपोज किया नेगेशन ऑफ पी को, नेगेशन ऑफ पी लिख दिया, फिर देख रहा इनके जस्ट सामने है यानी कि सीरीज में है, तो एस टू क्या है क्यू है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हो गया, और जस्ट इसके नीचे यानी कि पैरेलल में है, पैरेलल में तो क्या होता है और होता है, फिर इन दोनों क्या है सीरीज में, इसके लिए इनके बीच में एंड का साइन, ओके। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब लिखना है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ओके। तो यहां पे देखो पी क्यू है ना, सिर्फ पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, ओके। चलो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, फिर क्या है, फिर है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है, फिर बीच यहाँ ये बोला क्या है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है, ओके। और सपोज इनको मैं एम और एन सपोज कर ले, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेकेंड लास्ट में कि क्या होता है, इसको इसको क्या सपोज कर लो, आपको इजी पड़ जाएगा, इसको एम सपोज कर लो और इसको एन सपोज कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम और एन, इसको आपने एम सपोज किया, इसको आपने एन सपोज किया, क्यों, क्योंकि जगह की शॉर्टेज थी बस, ओके, क्योंकि आपके पेजेस में उतना बड़ा आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, बना लेते इसका टेबल, अच्छे से टेबल ड्रॉ करना, सही से दिखना चाहिए, ये हो गया। थोड़ा सा नीचे करो, हाँ ये हो गया। अब क्या करना है, चार बार, दो बार टे, ओके और दो बार जीरो, तीन या वन के फॉर्म में लिखना, वन वन, कंफ्यूजन नहीं होना, जब इनपुट आउटपुट टेबल बोला तो वन और जीरो, और अगर जो स्विच ट्रुथ टेबल बोला तो क्या लिखना है एफ और टी, तो यहाँ पे हो जाएगा वन जीरो वन जीरो, फिर नेगेशन ऑफ पी है तो जीरो जीरो वन वन, नेगेशन ऑफ पी है तो जीरो वन जीरो वन। अब क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी है और एंड क्यू है, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे एंड क्यू यहाँ पे है, अब इनके बीच में क्या देखना है, दोनों के बीच में एंड मतलब एक भी जीरो तो जीरो जीरो जीरो, ये वन ये जीरो। अब क्या करना है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे देखना, फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले में एंड का मतलब क्या था जीरो, मतलब एक भी जीरो तो जीरो, यहाँ पे देखो क्या है जीरो, सेकेंड वाले में जीरो, थर्ड वाले में जीरो, फोर्थ वाले में जीरो, ओके ध्यान से देखना, देखो जीरो और वन जीरो वन जीरो, अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पे वन वन, यहाँ ये वन वन है तो यहाँ पे वन आएगा, हाँ मैंने ये वाला ले लिया था, फिर यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, ध्यान से देखो एंड है तो नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे, देखो एक जीरो है तो जीरो हो गया, दोनों वन है तो वन हो गया, दोनों जीरो तो जीरो, जीरो तो जीरो। अब इन दोनों के बीच में और है, और में क्या होता है एक भी वन तो वन, तो यहाँ पे जीरो वन वन जीरो, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ध्यान से सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम को एकदम अच्छे से देखना है, डायग्राम को यहां से स्टार्ट करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, सिंबॉलिक फॉर्म देखो ये क्या है, ये पहला लिख लिया, फिर देख रहा हूँ दोनों सीरीज में है तो एंड लगा दिया, फिर देख रहा हूँ इनके नीचे पैरेलल है तो इनके बीच में और लगा दिया,
फिर इन दोनों को देखना वापस से सीरीज में, तो दोनों के बीच में वापस से एंड आ गया। तो देखो यहाँ पे सिम्बोलिक फॉर्म बन गया, इसको एम सपोज कर लिया, इनको एन सपोज कर लिया। अब स्विचिंग टेबल बनाना है, स्विचिंग टेबल में क्या करते हैं, पी क्यू सेम रहेगा, नेगेशन है तो नेगेशन, फिर यहाँ पे पहला वाला कंडीशन, दूसरा वाला कंडीशन, दोनों के बीच में और का साइन है तो और का साइन ले लिया। ओके, और जैसे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो सेम को स्विचिंग सर्किट बनाना है। ओके, फर्क कितना है, जहां पे टी था वहां पे वन लिखना है, जहां पे जीरो था वहां पे जहां पे जीरो था वहां पे एफ लिखना है। ओके, एफ यहाँ पे जीरो, ठीक है यहाँ पे वन। तो ये क्वेश्चन नंबर टू है, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ दोस्तों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए सर्किट ड्रॉ करके रखा है। ओके, अब इस सर्किट को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका बैटरी है, लैंप है, करंट फ्लोर है, यहाँ पे देखो एस वन है। ओके, और एस वन के जस्ट सीरीज में है ये दोनों, हाँ सीरीज में है ये दोनों, पैरेलल है। फिर इनके जस्ट पैरेलल में है एस टू, और इनके सीरीज में ये दोनों है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पता है बहुत अच्छे से क्या करना है। सबसे पहले सपोज करना है क्या, पी दिस स्विच एस वन इज क्लोज, ओके, अब आता क्यू दिस स्विच एस टू इज क्लोज, फिर आ जाएगा आर दिस स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड। ओके, एस वन एस टू एस थ्री पी वन पी टू पी क्यू आर क्या हो गया, क्लोज हो गया है। अब नेगेशन है किसका, टू का है और थ्री का है, तो नेगेशन ऑफ क्यू दिस स्विच एस टू का डैश इज क्लोज, फिर क्या है नेगेशन ऑफ आर दिस स्विच एस थ्री का डैश इज क्लोज। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो लिखो सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म तो मैंने आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, मैंने तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको यहां से स्टार्ट करना है। यहां से पहले यहां जाओ, एस वन है यानी क्या जाएगा पी है, देखो इसके जस्ट सामने है, सामने तो क्या होता है सीरीज में, सीरीज में होता है तो क्या होता है, सीरीज में हमेशा क्या होता है एंड होता है। अगर ऐसा सीरीज में रहा तो एंड आएगा, और पैरेलल रहा तो और आएगा। ओके, और मीन्स ये और, हाँ ये हो गया। अब देखो पहला ले लिया पी, इनके सीरीज में है, इनके सीरीज में यानी कि एंड, फिर देखो ये अलग है इसके लिए ब्रैकेट। अभी देखो ये क्या है, एस टू का डैश, एस टू का डैश मतलब क्या होता है नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू। अब देखो इसके नीचे, इसके जस्ट पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या जाएगा और एस थ्री यानी कि, एस थ्री यानी कि आर। ओके, अब देखो इसके जस्ट नीचे है, नीचे यानी क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल है यहाँ पे और का साइन ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों क्या, इन दोनों सीरीज में है क्या, एस टू का डैश है ना, तो नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, ये हो गया, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है, बस क्या करना आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक काम में आराम से करनी है। पहले क्या करना, यहां से स्टार्ट करना है। ओके, देखो एस वन है, एस वन के जस्ट सीरीज में है, सामने है, सामने तो क्या करेंगे और का साइन, एंड का साइन लगेगा, देखो मैंने एंड का साइन लगा दिया है। फिर देखो इन दोनों क्या पैरेलल में है, और क्या एस टू का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ क्यू और ये आर है, देखो क्यू और आर है दोनों पैरेलल है, पैरेलल रहता तो क्या तो और का साइन तो और आ गया। फिर देखो ये इसके जस्ट नीचे यानी कि पैरेलल है, तो ये वापस से और का साइन आ गया। ओके, और फिर इन दोनों के बीच में क्या सीरीज है, इसके लिए इनके बीच में एंड का साइन आ गया। ओके, ये काम हो गया, मेन यही काम है आपको करना है। पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर एक बार आपने सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट कर दिया तो यू आप चुटकियों में कर ले जाओगे। ओके, अब क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल लिखो, इनपुट आउटपुट टेबल। तो चलो लिखते हैं, पी है, क्यू है, आर है, नेगेशन ऑफ क्यू है, नेगेशन ऑफ आर है। ओके, ये लिख लिया। अब ये वाला पार्ट है, तो था नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ओके, फिर ये पूरे वाले पार्ट को क्या सपोज करना है, ये पूरे वाले पार्ट को सपोज कर लेना है, ये पूरे वाले पार्ट को सपोज कर लेना है एम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक एम। ओके, और ये क्या हो जाएगा एन, सो सपोज कर लेता हूँ एन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन,
और इनके बीच में क्या है, और है, तो एम और एन। जगह थोड़ा कम है इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से सपोज किया। ओके चलो अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी के लिए, क्यू आर, नेगेशन पी, नेगेशन आर, फिर ये एक। इतना नीचे तक नहीं जाना है, हम लोग थोड़ा ऊपर ही कर लेंगे ताकि थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से आना चाहिए। ओके ये हो गया। हाँ सबसे पहला काम क्या करना है, 4 times 1, 4 times 0। तो चलो कर लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सही से बनना चाहिए। हाँ फिर 2 times 0 0 1 1 0 0, फिर 1 times 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर नेगेशन ऑफ क्यू है तो 2 times है ना, तो 2 times 0 2 times 1, फिर से 2 times 0 2 times 1, फिर नेगेशन ऑफ आर है तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया। अब क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू है और आर है, और यहाँ नेगेशन ऑफ क्यू किधर है, यहाँ पे है, और आर यहाँ पे है, इनमें क्या होता है एक भी टी तो आंसर टी आएगा। देखो यहाँ पे एक वन है तो 1 0 1, फिर 1, फिर यहाँ पे 1 0 1 1, देख लो ध्यान से। हाँ नेगेशन ऑफ क्या है, क्यू है और आर है, नेगेशन क्यू, देखो एक 1 तो 1, हाँ फिर 0 तो 0, 1 तो 1, 1 तो 1, 1 तो 1, दोनों 0 तो 0, दोनों 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1। ओके ये काम हो गया। अब क्या करना है इसका, हाँ इसको है पी के साथ एंड लेना है, हाँ जिसको मैंने एम सपोज किया है। देखो पी के साथ एम लेना है, एंड लेना है, इसके लिए मैंने एम सपोज किया। तो यहाँ पे पी है, इसको क्या करना, पी के साथ एंड, एंड में क्या होता है एक भी 0 तो 0, 1 0 1 1, 0 0 0 0, क्यों, क्योंकि इधर चारों का चारों 0 है। ओके अब इनका नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ क्यू नेगेशन ऑफ आर, यहाँ पे एंड में क्या होता है एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यानी एक भी 0 तो 0, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हो गया। अब लास्ट में क्या, इन दोनों के बीच में और का साइन है। ओके और, तो और में क्या होता है एक भी 1 तो 1, एक भी टी तो टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 0 0, ये आपका आ गया इनपुट आउटपुट टेबल। तो इस तरीके से आपको करना है, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, सर्किट को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्या करना है इसको सपोज करना है, सपोज करने का उसका क्या लेना है सिंबॉलिक फॉर्म लेना है, सिंबॉलिक फॉर्म लेने के बाद क्या करना है उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके तो ये इनपुट आउटपुट टेबल बच गया है, बन गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ओके अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके आए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके सेम काम है, सेम वापस अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ आपको, क्या हो जाएगा पी क्या हो जाएगा एस वन को क्लोज करेगा, और क्यू क्या हो जाएगा एस टू को क्लोज करेगा, और 3 है ना, हाँ, और आर क्या हो जाएगा एस थ्री को क्लोज करेगा। ओके अब क्या है, डैश है, डैश डैश नहीं है किसी का, तो ये इसी रहने वाला। ओके फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, देखो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इन दोनों के बीच में चेक करो क्या है, दोनों क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, तो पहला क्या S1 यानी कि P पैरेलल है S2 यानी कि क्यू के, ये हो गया। अब देखो ये दोनों किस में, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा एंड, फिर S2 यानी कि क्या होता है क्यू होता है। ओके फिर यहाँ पे देखो ये भी इससे क्या है सीरीज में है, तो ये भी एंड। ओके फिर इन दोनों किस में है पैरेलल में है, तो S3 यानी कि R। ओके S1 का डैश है क्वेश्चन में, क्या S1 का डैश है, क्या S1 का डैश, हाँ है S1 का डैश है, तो यहाँ पे S1 का डैश है, तो यहाँ पे तुम लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे S1, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ P
किसको क्लोज करेगा, S1 का डैश, ओके एक चीज का ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या S1 का डैश है यानी क्या जाएगा, और है ना, तो और नेगेशन ऑफ S1 यानी कि P। तो ये इस तरीके से आपको करना है, ध्यान से देखो वापस एक बार, यहां से स्टार्ट करना। देखो पहले क्या है, P है तो P लिख लिया, तो उसके जस्ट पैरेलल में, पैरेलल का मतलब क्या था, और तो और दे दिया, क्यू हो गया। फिर देखो इनके क्या है, ये सीरीज में है, देखो सीधा जाता तो सीरीज में है, तो एंड दे दिया, यहाँ पे एस्ट्री है यानी कि एस्ट्री मीन्स क्या होता है, क्यू, तो क्यू ले लिया। फिर ये वापस से इसके सीरीज में है, ओके, तो यहाँ पे क्या ले लिया, एंड का साइन, ओके। फिर इन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच में और का साइन रहेगा। पहला क्या है, S3 यानी कि R, और S1 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ P। अब इसका क्या बनाना है, इसका बनाना हमको स्विच आउटपुट और सॉरी इनपुट और आउटपुट टेबल, ओके। तो यहाँ पे लिखो इनपुट आउटपुट टेबल, ओके, तो R तक है ना, P Q R नेगेशन ऑफ P। अब क्या है, पहले P और Q है, P और Q, फिर क्या है, R और नेगेशन ऑफ P है, ओके, P और Q ले लिया। और एक काम करते हैं, पहले इसका मैं इसके साथ एंड निकाल लेता हूँ, Q के साथ, ओके, Q के साथ एंड निकाल लेता हूँ मैं, P और Q एंड Q हो जाएगा। फिर क्या निकाल लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, R, R और नेगेशन ऑफ P, ओके, और लास्ट में पूरा टोटल, टोटल को मैं सपोज कर लेता हूं, मैं x सपोज कर लिया इस बार, हाँ ये टोटल, हाँ अच्छा ये दोनों है ना, ये दोनों सॉरी, हाँ तो यहां पे सपोज कर लेता हूं मैं, इनको यहां तक मैं क्या सपोज कर लेता हूं, यहां तक मैं सपोज कर लेता हूं m और यहां n। तो ये आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका m और ये आपका n, इनके बीच में क्या साइन है, n का, तो m n, क्योंकि थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R और नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे आपका N हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M एंड N। ये इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, ये बॉक्स कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके अच्छे से ड्रॉ करना स्केल पट्टी से सही से, ये हो गया। अब ये हो गया, अब देखो पहला हम लोग क्या कहते हैं, टी और एफ के फॉर्म में लेते हैं, जीरो के फॉर्म में, तो चार बार वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार, फिर दो बार वन टू जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, फिर वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ओके। अब क्या था, नेगेशन ऑफ पी यानी कि चार बार जीरो, चार बार वन, फिर क्या पी और क्यू, यहाँ और में क्या होता है, एक वी टी तो टी यानी कि एक वी वन तो वन, तो इन दोनों में देखो पहला वन है वन, फिर से वन है, फिर से वन है, चौथा भी वन है, पांचवा भी वन है, छठवा वन है, सातवा जीरो, आठवा जीरो, ओके। फिर इनका हो गया, अब इसके साथ क्या है, एंड है क्यू, इसके साथ क्या है, एंड है क्यू, क्या है, एंड है क्यू, अपना क्यू यहाँ पे ना, इनके साथ एंड मतलब क्या था, एक ही फर्स्ट तो फर्स्ट, एक एट्टी जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, ओके। अब क्या आता है एन, एन क्या है, आर और नेगेशन ऑफ पी, तो आपका आर ये है और नेगेशन ऑफ पी ये है, और है हाँ, और में क्या होता है, एक वी टू तो टू यानी कि वन जीरो वन वन जीरो वन, ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो सॉरी वन, फिर ये वापस से वन, फिर ये वन, देखो वापस यहां क्या है, आर और नेगेशन ऑफ पी, तो ये हो गया आर और नेगेशन ऑफ पी, यहां पे दोनों है, हाँ देखो ये वन है तो वन है, दोनों जीरो तो जीरो, ये वन है तो वन हो गया, तीसरा चौथा दोनों जीरो तो जीरो, पांचवा वन है, छठवा वन है, सातवा वन है, आठवा वन है, ये वन वन हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, एंड मतलब क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो, ये हो जाएगा वन का वन जीरो 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 वन, दो वन है ना, जहां पहला दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो, पांचवा वन, छठवा वन,
ओके, पांचवावन छवन और सातवा आठवा जीरो जीरो। तो ये इस तरीके से आपका क्या रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। ओके, बहुत इजी है, आप आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या आता है, फोर खत्म होता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके आया दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, यहाँ से बैटरी के यहाँ से आना, यहाँ पे जाना है। सबसे पहले आपको सपोज करने वाला काम है, तो P को क्या सपोज किया, S1, Q को क्या सपोज किया, S2, और S3 है नहीं है, तो नेगेशन ऑफ P को क्या सपोज किया, S1 का डैश, और नेगेशन ऑफ Q को क्या सपोज किया, S2 का डैश। ओके, फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, S1 है पहला यानी कि P। ओके, इसके जस्ट पैरेलल में यानी कि और का साइन, इन दोनों क्या है तो ब्रैकेट। पहले देखो S1 का डैश यानी कि नेगेशन ऑफ P, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये एंड हो गया। फिर S2 का डैश है तो नेगेशन ऑफ Q, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। ओके, अब क्या है, ये देखो इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में यानी कि और का साइन। ओके, अभी देखो इनके पैरेलल में ये दोनों है, इससे क्या है P एंड Q, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। एकदम ध्यान से देख लो, बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है अच्छे से समझ के लेना है। पहले यहाँ पे ले लिया, P हो गया, फिर इसके जस्ट नीचे यानी कि और हो जाएगा। फिर देखो ये नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ P, ये भी है नेगेशन तो नेगेशन ऑफ Q, दोनों क्या है सीरीज में तो एंड हो गया। फिर देखो इसके जस्ट नीचे है तो और, फिर इन दोनों सीरीज में तो एंड। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, फिर यहां पे क्या है आपका, पहला है, थोड़ा सा और जगह देना पड़ेगा, थोड़ा सा और जगह देना पड़ेगा इसको, यहां से मैं ले लेता हूं। जब यहां पे हो जाएगा पी क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, फिर क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हो गया। फिर इसका क्या है, P के साथ और है तो P और, इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, चलो ठीक है लिख लेते ना, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। फिर बचा क्या, ये वाला पार्ट P एंड Q। ओके, तो ये वाले पार्ट को हमको सपोज कर लेते हैं M, ये वाले को N, उनके बीच में क्या और है तो M और N लास्ट में। ओके, यहाँ पे आपका पूरा वाला पार्ट हो गया M और ये पूरा पार्ट हो गया N। ओके, तो इस तरीके सपोज कर लेना है। अब इसको क्या करना, अच्छे से बकायदा कॉलम बना दो सही से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बस इतने बनेगा, ज़्यादा बड़ा भी मत बनाओ क्योंकि एक ही में हो जाएगा, क्योंकि दो ही वाला है, पी क्यू वाला है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू वाले में दो बार वन, दो बार जीरो, वन जीरो वन जीरो, फिर नेगेशन ऑफ पी, जीरो जीरो वन वन, फिर जीरो वन जीरो वन। ओके, ये हो गया। फिर इनके बीच में क्या देखो, नेगेशन ऑफ पी है और नेगेशन ऑफ क्यू है, ये दोनों के बीच में एंड है, एंड मतलब क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लास्ट वाला वन। ओके, इस तरीके से करना है। ये हो गया, लास्ट वाला क्या रहेगा, वन रहेगा आपका। अब आ जाओ, ये सेम, ये किसके साथ और है, किसके साथ, पी के साथ और है, और में क्या था, एक भी वन तो वन, तो देखो दो वन है तो वन वन, फिर तीसरा जीरो है तो जीरो, फोर्थ वाला वन है तो वन। ओके, और सेकंड वाला, उसके बाद क्या, एन वाला क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, एंड में क्या था, एक भी जीरो तो जीरो, तो पहला क्या है वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, एंड में एक भी जीरो तो जीरो। अब इनके बीच में क्या करना, और देखना, और मतलब क्या, एक वन तो वन, तो ये हो जाएगा वन, ये भी वन, जीरो वन, ये आपका आ गया आंसर। ओके, देख लो ये वन वन जीरो वन, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फाइव था। अभी इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बचा, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं। आयो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, देख लो ध्यान से,
यहाँ पे आपका लैंप है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले काम जहां से देखो, जहां से स्टार्ट होता है, यहां से सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं पी एस वन, क्यू एस टू और आर एस थ्री। इसमें नेगेशन एक भी है नहीं, एक भी क्या है, नेगेशन इसमें है नहीं। तो ये हो गया। अब इसका क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है फॉर्म। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखना। यहां से आ जाओ, क्या है, S1 है मींस P के पैरेलल में है, तो और ये क्या है, S2 है ना, यानी कि Q। अब देखो इसके सीरीज में है ये, यहाँ एंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एंड हो गया। फिर देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, S2 यानी कि Q और R फिर से इसके सीरीज में है, तो ये एंड हो जाएगा। S3 है यानी कि R फिर इसके सीरीज में है, तो और S1 है तो यानी कि P। ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के बीच में और का साइन आ गया, ये इसके ये दोनों के बीच में क्या सीरीज है तो देखो एंड का साइन आ गया, फिर इन दोनों पैरेलल में है तो फिर से और का साइन, इन दोनों सीरीज में है तो एंड का साइन, फिर से इन दोनों पैरेलल है तो और का साइन। ओके, ये आपका बन गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है तो सबसे पहला काम पी क्यू आर। ओके, फिर है पी और क्यू, फिर है क्यू और आर, बराबर पी और क्यू हो गया, क्यू और आर हो गया। अब इन दोनों से कोई एक लेता हूं, मैं इसको लेता हूं आर और पी हो गया। ओके, ये चीज ले लिया मैंने, देख लो पी क्यू क्यू आर और आर और पी, ये हो गया। हाँ, अब क्या सपोज कर लेता हूं मैं, इन दोनों को मैं M सपोज कर लेता हूं। ओके, इन दोनों को M मतलब दोनों के बीच में क्या है एंड है, तो एक काम करता हूं ना, इसको मैं M सपोज कर लेता हूं, N सपोज कर लेता हूं और इसको X Y Z लेता हूं यहां पे, X Y Z। ओके, अब क्या है, इन दोनों के बीच में एंड का साइन ले लेता हूं, क्या लेता हूं X एंड Y, लास्ट में जाएगा X Y एंड Z। तो पहले मैंने इसको X सपोज कर लिया, इसको Y सपोज कर लिया, इसको Z। ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या सपोज किया। ओके, अब इसको दिखा दो तो बहुत ही इजी पड़ जाता आपको करने के लिए। हाँ, बस सपोज करने के बाद क्या करना, आप आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करना है, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं, आराम आराम से करना है। बस देखो, सब पहले इसको अच्छे से कॉलम ड्रॉ कर लेने का, ये ओके, यहां तक बहुत होगा, इसके नीचे जाने वाला नहीं है। ये हो गया। ओके, अब क्या करना पता है, पी है ना, तो क्या करना है, चार बार टी चार बार एफ, यानी कि चार बार वन चार बार जीरो, वन टू थ्री फोर, हाँ पहले वो जीरो नहीं, पहले वन, हाँ वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फिर टू टाइम्स वन, टू टाइम जीरो, फिर वन टाइम वन जीरो, वन जीरो वन जीरो वन जीरो। अब क्या करना है, पी और क्यू है, पी और क्यू है, तो और मतलब क्या होता है, इक्विटी तो टी, क्या होता है इक्विटी तो टी, यानी कि यहाँ पे एक ही वन तो वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, दूसरा भी वन, तीसरा भी वन, चौथा भी वन, पांचवा भी वन, छठवां वन, नीचे का दो जीरो, क्योंकि दोनों में जीरो जीरो है। ये हो गया। अब क्या आता है, क्यू और आर, हाँ क्यू और आर इनके बीच में देख लो, और है तो यहाँ पे भी वन 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 जीरो, वन 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 जीरो, देखो ये वन है तो वन हो गया, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो तो जीरो। ये हो गया। अब क्या है, आर और पी, आर और पी, ये लास्ट वाले में आ जाओ, आर और पी, तो देखो यहाँ पे क्या है, वन है तो वन, ये भी वन, तीसरा भी वन, चौथा भी वन, पांचवा भी वन, पांचवा भी वन, वन जीरो वन जीरो, हाँ पांचवा वन, छवा जीरो, सातवा वन, आठवा जीरो। ओके, अब क्या करना है, इनके बीच में एंड है, हाँ इन दोनों के बीच में एंड है, तो एंड में क्या होता है, एक भी जीरो तो जीरो, वन
दूसरा वन, तीसरा वन, चौथा जीरो, पांचवा वन, बराबर पांचवा वन, छवा वन, सातवा जीरो, आठवा जीरो। अब क्या करना है ये तो निकाले, इनके बीच और जेड के बीच में, इनके बीच में क्या है एंड है, एंड में क्या था एक भी जीरो तो जीरो। देखो वन है, ये भी वन, ये भी वन, फोर फाइव सिक्स वन है, नहीं फाइव वन आएगा, एक देखो एक दो तीन, ये जीरो जीरो, ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्या है आपका आंसर है, आपको अच्छे से करना है देख के। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, हाँ एक चीज और, यहाँ पे वाई है और जेड में है ना, वन वन, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा में जीरो, वन टू थ्री फोर, फोर में जीरो, यानी कि यहाँ पे भी क्या आएगा जीरो आएगा। ओके हाँ, क्योंकि देखो एंड का मतलब क्या था, एक भी जीरो तो जीरो, तो यहाँ पे देखो जीरो दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने वन गलती से लिख दिया था, उसके से आंसर रॉन्ग आ रहा है। देखो अब ये सही हो गया, दो चार छः आठ बराबर है। ओके तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरा पूरा एक्सरसाइज क्या होता है खत्म होता है यहाँ पे पूरा, सॉरी एक्सरसाइज यहाँ क्वेश्चन नंबर वन के, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर सिक्स तक क्या होते हैं खत्म होते हैं। ओके तो अब जो बाकी के जो लेक्चर्स है, जो बाकी के जो क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ज्यादा, इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। ओके देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया है। ओके अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देखिए एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये मैं मेहनत करता हूँ ना, तो ये सिर्फ आपके जो कमेंट आते हैं ना बहुत ही एनर्जी देता है, तो प्लीज आप अपना कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके क्योंकि आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं यार। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा सा कमेंट जरूर पास आउट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, तो उसके हिसाब से हम लोग और अच्छे से प्रिपेयर करके दिखाएंगे। ओके और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।